हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर आज एक नई वीडियो लेकर, जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहे हैं जिसमें जो कि भारतीय इतिहास के दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम देने जा रहे हैं ट्रिक। 1928 में कुछ प्रमुख घटनाक्रम हुए थे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कौन कौन से घटनाक्रम थे, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो आप कैसे याद करेंगे, ये अक्सर आपके लिए समस्या का विषय है कि कौन कौन से क्रम जो घटनाक्रम थे 1928 में हुए थे। तो चलिए हम देख लेते हैं ट्रिक क्या है। साई ने 28 बार जिन देखा, जिन देखा, साई ने 28 बार जिन देखा। अब ये आपको पता है कि साइमन साई साई से क्या हो जाएगा, साई से क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। ट्रिक आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साई ने 28 बार जिन देखा, आप इससे आप तीन चार घटनाक्रम अभी आप फटाक से याद कर लेंगे, हमेशा के लिए आप भूलेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, साई से क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में ही हो गई थी, लेकिन इसका आगमन जो है भारत में 1928 में हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, यहाँ पे याद रखना है, आपको गलत नहीं करना है। 28 का क्या मतलब हो जाएगा, 28 से आपको सन भी नहीं याद रखना है, 28 से आपको 1928 कर लेना है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज में। आप बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, तो कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। तो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, और इन्हें किसने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न पूछता है, याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए। अब जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला क्या था, जिन्ना फार्मूला भी 1928 में जिन्ना फार्मूला आया था। देखिए, उस समय जो है धार्मिक रूप से जो वोटों का सिस्टम है उसको बांटा जा रहा था, यानी कि धार्मिक विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही थी। इसी समय जिन्ना फार्मूला आया था, यानी कि जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिमों को ये क्षेत्र बांट दिए जाए और उस क्षेत्र पर हिंदू मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही उसके मतदाता होंगे। तो ये जिन्ना का फार्मूला था। फिलहाल तो ये आपके जो 28 में प्रमुख घटनाक्रम थे कौन कौन से थे, एक तो साइमन कमीशन का आगमन, बारदोली सत्याग्रह जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थे, ये जिन्ना का फार्मूला था जिसमें कि मुस्लिमों को लिए अलग जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। तो ये हमारे जो 1928 के प्रमुख घटनाक्रम है जो कि परीक्षा के जैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।